हेलो दोस्तों, यार बहुत बहुत स्वागत है आपका लिनक्स किंग में। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपाचे सर्वर के इंस्टॉलेशन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो अपाचे सर्वर है वो वेब होस्टिंग के रूप में हम इसको यूज लेते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, इस पर कोई भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो RHEL ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी में इसका जो इंस्टॉलेशन है वो देखेंगे। तो चलिए मैं अपने बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो सिस्टम है उस पर चलता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा RHEL 7, इसी में हम जो अपाचे सर्वर का इंस्टॉलेशन है वो करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो यम सर्वर है, येलो डॉग पैकेज मैनेजर, वो इंस्टॉल या फिर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप जो अपना सिस्टम है उसमें अपाचे सर्वर इंस्टॉल या फिर कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ से ओपन करना है अपना टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे जो अपाचे सर्वर का जो पैकेज है वो यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी यम इंस्टॉल। लेकिन उससे पहले मैं जो अपना सिस्टम है कि वो कनेक्ट है या फिर नहीं है वो दिखा देता हूँ। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा सिस्टम है वो इंटरनेट से ऑलरेडी कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कमांड डालूँगा यम इंस्टॉल HTTPD। दोस्तों जो HTTPD है ये हमारा जो अपाचे वेब सर्वर है उसका जो पैकेज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके आगे यहाँ पे स्टार लगा देंगे एंड द स्पेस -y। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारा अपाचे सर्वर का जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपाचे सर्वर का जो पैकेज है HTTPD वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल है उसमें कुछ आप चेंज कर सकते हो। आप अपनी जो कुछ मैनुअली फाइल भी यहाँ पे रख सकते हो। तो पहले हमें ये करने से पहले हम जो इसकी सर्विस है वो स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप RHEL 5 पहले यूज़ करते थे तो उसमें हम जो भी सर्विस स्टार्ट करते थे वो डायरेक्ट सर्विस रीस्टार्ट HTTPD ऐसे कुछ करते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक नई कमांड है जिसका नाम है System CTL। ठीक है, System CTL इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों System D & Service Manager। मतलब कि ये जो भी सर्विस या फिर पैकेज होती हैं उसका जो मैनेजर है या फिर उनको मैनेज करता है। ठीक है, तो System CTL लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट, और इसके नेक्स्ट HTTPD हमारा जो पैकेज है उसका नाम है, यहाँ पर लिखेंगे हम .service। जैसे ये लिखने के बाद आप यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो इसकी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्टार्ट की जगह स्टेटस अगर पुट करोगे तो आपको ये दिखा देगा कि हमारा जो अपाचे सर्वर है वो एक्टिव है या फिर डिसेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो अपाचे सर्वर है, वेब सर्वर है, उसकी जो सर्विस है वो अभी एक्टिव है। तो चलिए अभी हम इसको कन्फर्म कर लेते हैं। तो कन्फर्म करने के लिए सबसे पहले हमारा जो IP एड्रेस है वो हम चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर कमांड डालता हूँ इफ़ कॉन्फिग। ठीक है, तो जैसे आप इन इफ़ कॉन्फिग करेंगे आपके जो सिस्टम की IP एड्रेस है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो मेरा जो सिस्टम है उसकी IP एड्रेस है 192.168.40.150। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा ब्राउज़र है फायरफॉक्स इसमें इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक नई टैब ओपन करके जो URL बॉक्स है इसमें इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो सर्वर है उसमें अपाचे सर्वर ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे इसका जो डिफ़ॉल्ट पेज है वो यहाँ पे लोड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपाचे सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप अपना कुछ मैनुअली पेज यहाँ पे लोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाना पड़ेगा। तो मैं उसको विम एडिटर के थ्रू एडिट करूँगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर है वो WWHTML। ठीक है, उसके अंदर हमें एक मैनुअल फाइल बनानी पड़ेगी HTML एक्सटेंशन के नाम से। वहाँ पे हम उसमें कुछ कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद उस फाइल को हम यहाँ पे लोड करेंगे। तो पहले हमें हमारी जो डायरेक्ट्री है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट्री है उसमें जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी जो डायरेक्ट्री है वो चेंज कर ली है। अब यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा विम के थ्रू। ठीक है, विम, और इस फाइल का नाम रखूँगा मैं index.html। एंटर। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो भी कंटेंट है मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू लिनक्स किंग्स। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है index.html। यहाँ पे दो फाइल और है, demo.html और linux.html। इन दोनों फाइल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरी ये जो दोनों फाइल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से etc के अंदर। etc में हमें एक फोल्डर मिलेगा httpd के नाम से, इसके अंदर एक और फोल्डर है conf के नाम से, इसके नेक्स्ट conf के अंदर हमें एक फ़ाइल मिलेगी जिसका नाम है httpd.conf, इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे index.html है। यहाँ पे मैंने भी जो फाइल थी उसको index.html के नाम से सेव किया है, तो इसको ऐसे कैसे रहने देना है। अगर आपने दूसरा नाम दिया है तो आप इस नाम को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नाम सेम रखोगे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट फाइल है वही वहाँ पे लोड होगी। चलो ये सब ठीक है, मैं यहाँ से वापस एग्जिट आ जाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो अपाचे सर्वर है उसकी जो सर्विस थी यहाँ से उसको दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। तो मैं दोबारा से कमांड दूंगा यहाँ पे systemctl, यहाँ से रीस्टार्ट एंड httpd.service और एंटर। ठीक है, अब हमारी जो सर्विस है वो दोबारा से रीस्टार्ट हो चुकी है। अब हम वापस हमारा जो ब्राउज़र है वहाँ पे जाएंगे और इस पेज को यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डिफ़ॉल्ट पेज ना के जो कंटेंट हमने इसको दिया है, ठीक है, वो यहाँ पे लोड हो चुका है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल, इस तरीके से हम हमारा जो RHEL 7 है उसके अंदर जो अपाचे सर्वर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर हम मैनुअली कोई कंटेंट हमारे ब्राउज़र पर लोड करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।